हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आपके घर में भी ये प्रॉब्लम होती है कि बच्चे सब्जियां नहीं खाते और बड़ों को भी अक्सर बहुत गिनी चुनी सब्जियां पसंद होती हैं? तो ये रेसिपी आपके लिए है, बिकॉज इसमें हम डाल रहे हैं बहुत सारी सब्जियां और खाने में बहुत ही टेस्टी बनेगी और देखने में बिल्कुल इडली जैसी दिखेगी। मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही आसान और सीक्रेट सी रेसिपी। प्लीज़ एंड तक बने रहिए और इस वीडियो को ज़रूर देखें। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल बटन को हिट कर लें। रेसिपी शुरू करेंगे हम एक मिक्स वेजिटेबल की फिलिंग बनाने से। तो मैंने एक पैन में जीरा, मस्टर्ड सीड्स, अनियन और करी लीव्स को थोड़ा सॉटे कर लिया। तो इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप ऑफ कैबेज, 1/4 कप कैप्सिकम। आप कैप्सिकम ग्रीन, येलो, रेड कोई भी डाल सकते हैं और अच्छे से इसे सॉटे कर लेंगे। और थोड़ी सी ग्रीन चिली फॉर टेस्ट। तो इसमें डाल रही हूँ मैं पीज और कॉर्न जो कि बिल्कुल बॉइल्ड है। तो देखिए कितनी ब्यूटीफुल कलर दिख रहा है हमारे पैन में। और हमने इसमें डाल दिए 2 मैश्ड पोटैटोस जो कि बॉइल्ड है। तो बस ये हमारी मिक्स्ड फिलिंग रेडी हो गई। बट यस, एक सीक्रेट चीज है, इसमें आप डालिए कैश्यूज, वो भी रोस्टेड एंड क्रश्ड, तो इसका पूरी फिलिंग का टेस्ट ही बदल जाएगा। अगर आपके पास कैश्यू नहीं भी है तो आप इसमें पीनट्स डाल सकते हैं। तो इसको मिक्स करके हम एक इसको बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। ये देखिए हमारी वेजिटेबल फिलिंग रेडी है। इसको हम निकाल कर एकदम साइड पर रख देंगे और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना सेकंड स्टेप जो कि है हमारे ब्रेड स्लाइसेस को प्रिपेयर करना। तो जो मैं आज के आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ इससे आपकी 6 इडलीज बन जाएंगी। तो मैंने ब्रेड को एक कटोरी से इस शेप में काट लिया। आप ब्राउन ब्रेड या वाइट ब्रेड जो भी आपके घर में ब्रेड है वो यूज़ कर सकते हैं। तो इधर मैंने ले लिया है 1.5 कप कर्ड और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप ऑफ ग्रेटेड कैरेट और कुछ कैबेज। है ना सब्जियों से भरपूर ये रेसिपी। ये देखिए इसको मिक्स कर लिया और इधर मैं टेम्परिंग रेडी कर रही हूँ। इसमें मैंने वेजिटेबल ऑयल, मस्टर्ड सीड्स और करी लीव्स इसको कर्ड में डाल लिए हैं। तो हमारी कर्ड फिलिंग भी रेडी है। तो बस अब हम इन्हें असेंबल कर लेते हैं। तो ब्रेड में एक साइड पे हम जो अपनी वेजिटेबल फिलिंग है वो मैं एकदम से अप्लाई कर दूंगी, बिल्कुल कोट कर दूंगी कि बिल्कुल ब्रेड ना दिखे। सारे ब्रेड स्लाइसेस आपको मैं रेडी करके दिखा रही हूँ। ये देखिए। और इधर मैंने एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल लिया और ऑयल में मैं उल्टी साइड, मतलब जिस साइड सब्जियां हैं उस साइड पैन को फेस करके इडली को डाल दूंगी और इस पर मैं कोट कर दूंगी अपनी कर्ड टिप से जो अभी हमने बनाई है। तो एकदम से ब्रेड नहीं दिखना चाहिए, फुली कवर कर देंगे इसको और गैस को मीडियम टू लो फ्लेम पर रखेंगे। बिकॉज ये ऑलरेडी कुकड है, हल्का सा हमको स्मोकी फ्लेवर चाहिए और इसको ढक के मैं अराउंड 6-7 मिनट्स इसको कुक कर लूंगी। तो आफ्टर फ्यू मिनट्स देखिए पूरी कर्ड ब्रेड में अब्सॉर्ब हो चुकी है और ब्रेड बिल्कुल नहीं दिख रहा है। इसको मैं डिश आउट कर लूंगी। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगी, आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना मेरे कहने पे और वीडियो को ज़रूर लाइक करना अगर आपको पसंद आई हो तो। थैंक्स गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप अपने रेसिपीज़ में कैसे सब्जियां स्नीक करते हैं।